हाँ जी भाई लोग, कोरोना के चलते सारी कंपनियों की सारी गाड़ियों के सेल्स फिगर तो जरूर गिरे हैं, लेकिन इस कोरोना के टाइम पर भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने काफी अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन किया है। तो भाई लोग, आज मैं आपके सामने आया हूं टॉप 10 एसयूवीज और सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज को लेकर जिन्होंने अप्रैल 2021 में काफी अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन किया है। तो भाई लोग, मैं हूं अतुल चौधरी, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी एसयूवीज जिसने काफी अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन किया है। इसमें कुछ सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज और मिड साइज एसयूवीज भी हैं। तो भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर आती है महिंद्रा की थार, जिसकी पूरे भारत देश में 3,406 यूनिट सेल हुई है। जब से अगर देखा जाए महिंद्रा थार लॉन्च हुई है, तब से लेकर वो कभी भी टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में आई ही नहीं। माना इसकी डिमांड बहुत है, लेकिन महिंद्रा इसकी डिमांड फुलफिल ही नहीं कर पा रहा। 8 से लेकर 12 महीने तक की वेटिंग इस गाड़ी पर है। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर आती है स्कॉर्पियो, इसकी पूरे भारत देश में 3,577 यूनिट सेल हुई है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो लगभग 14 लाख से लेकर 20 लाख तक मिल जाती है आगरा के अंदर। जब से नई न्यूज आई थी कि इसका नया वेरियंट आने वाला है, फेसलिफ्ट आने वाला है, उसके बाद से स्कॉर्पियो की सेल्स थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर बात कर लेते हैं नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर आती है भाई इको स्पोर्ट। इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो भाई 9.5 लाख से लेकर 13-14 लाख तक मिल जाती है आगरा के अंदर। और अगर इसकी सेल्स की बात कर लें तो 3,820 यूनिट सेल हुई है अप्रैल 2021 में पूरे भारत देश में। बात कर लेते हैं भाई एक और महिंद्रा की सेफेस्ट कार के बारे में, वो है XUV300, जिसकी पूरे भारत देश में 4,144 यूनिट सेल हुई है। भाई काफी अच्छा लुक है, काफी अच्छी सेफ्टी है इस गाड़ी के अंदर, बट फिर भी अगर ये नंबर 7 पोजीशन पे तो थोड़ा सा दुख होता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लूं तो लगभग 9 लाख से लेकर ये जाती है 15.5 लाख तक आगरा के अंदर। अब अगर हम बात कर ले तो भाई इंडिया की सेफेस्ट कार, वो है भाई टाटा की नेक्सॉन, जिसकी पूरे भारत देश में 6,938 यूनिट सेल हुई है। इसके काफी सारे कलर वेरिएंट हमें मिल जाते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लूं तो भाई लगभग 8,23,000 से लेकर 15 लाख, 15.5 लाख तक ये गाड़ी जाती है आगरा के अंदर। मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, वैसे कोविड के चलते चलते गाड़ियों में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा उलटफेर मेरे को देखने को मिली है। क्योंकि इसके ऊपर जो नंबर 5 पर गाड़ी आती है, वो आती है किया की सोनेट, इसकी पूरे भारत देश में 7,724 यूनिट सेल हुई है 7,724। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लूं तो भाई 7,77,000 से लेकर ये जाती है 15.50 लाख तक आगरा के अंदर। बेसिकली ये नेक्सॉन से पिछले महीने कम थी, लेकिन इस महीने इसने काफी अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन किया है। 700-800 यूनिट ज्यादा सेल करी है इसने नेक्सॉन से। अब अगर हम बात कर लेते भाई नंबर 4 की, तो वहां एक और आती है किया की गाड़ी, जो कि है किया की सेल्टोस। इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें तो भाई ये 13.5 लाख से लेकर 20.5 लाख तक लगभग मिल जाती है आगरा के अंदर। और इसने पूरे भारत देश में 8,086 यूनिट सेल करी है। अब बात कर लेते हैं भाई लोग 3 गाड़ियां, मतलब कि टॉप 10 एसयूवीज और सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज जिसने पूरे भारत देश में काफी अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन किया है इस कोरोना के टाइम पर भी। बात कर लेते हैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर आती है भाई मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हो। इसने पूरे भारत देश में 11,220 यूनिट सेल करी है 11,220। अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो भाई लोग 8,58,000 से लेकर 13.50 लाख तक ये जाती है। इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाएगी आगरा के अंदर। पहले नंबर 2 पर आते हैं योनडे की वेन्यू। इसके IMT वेरिएंट के बाद इस गाड़ी की सेल्स अचानक से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। और अगर इसमें देखा जाए तो स्मार्ट फीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छे दे दिए हैं। तो भाई इसकी पूरे भारत देश में 11,245 यूनिट सेल हुई है 11,245। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो भाई 8 लाख, लगभग 8 लाख से लेकर 13.5 लाख तक के मिल जाती है आगरा के अंदर। अब भाई लोग अगर हम बात कर लेते हैं नंबर 1 एसयूवी की, जो मेरी खासा फेवरेट है, वो है ह्यूंडई की क्रेटा। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई 11.5 लाख से लेकर आपको 20.5 लाख तक मिल जाती है आगरा के अंदर। और इसके अगर सेल्स फिगर की बात करूं तो भाई लोग 12,400
12,463 कार्स बिकी हैं पूरे भारत के अंदर अप्रैल 2021 में ह्युंडई क्रेटा की। वैसे इस पूरी लिस्ट में महिंद्रा की हमें मिल जाती हैं 3 गाड़ियां, जो कि स्पेशली मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि महिंद्रा की 3 गाड़ियां इसके अंदर हैं। हमें मिल जाती है थार, स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 3W। हाँ माना थोड़ा सा इनका सेल्स फिगर कम है, लेकिन ये 3 गाड़ियां इस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गाड़ियां काफी ज्यादा अच्छी हैं। और मैंने इन तीनों गाड़ियों की डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे उन्हें वहां से जाकर देख सकते हो। आप सोच सकते हो आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा अच्छी एसयूवी रहेगी जो आपको खरीदनी चाहिए। और जो टॉप की दो है ना ह्युंडई, तो भाई वो दोनों गाड़ियां मेरी थोड़ी पर्सनल फेवरेट हैं और उन दोनों गाड़ियों की मैं डिटेल्ड वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। थोड़ा सा ये सब सिचुएशन ठीक हो जाए उसके बाद, इस लॉकडाउन के टाइम पर मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं तो अलग अलग गाड़ियों की डिटेल्ड वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा हूं। तो भाई जैसे ये सिचुएशन ठीक होगी मैं आपके सामने और बहुत सारी गाड़ी लेकर आने वाला हूं। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि इस चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। तो भाई 1000 सब्सक्राइबर अपने होने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।